डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कलम ने अनगिनत कालजयी रचनाओं का सृजन किया है और उनमें से एक है नील कुसुम। मैं मनीष भावसर स्वागत करता हूं आप सभी का काव्य रंग पर और प्रस्तुत है आप सभी के लिए वह कालजयी काव्य रचना नील कुसुम। है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है यहाँ तिमिर आगे भी ऐसा ही तम है। तुम नील कुसुम के लिए कहाँ तक जाओगे, जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका, जो गया आज तक नहीं कभी वह लौट सका। नादान मर्द क्यों अपनी जान गवाओगे, प्रेमिका अरे उन शोक बूंदों का क्या कहना, वे तो यूं ही उन्माद जगाया करती है। पुतली से लेती बांध प्राण की डोर प्रथम, पीछे चुंबन पर कैद लगाया करती है। इनमें से किसने कहा चांद से कम लूंगी, पर चांद तोड़कर कौन मही पर लाया है। किसके मन की कल्पना गोद में बैठ सकी, किसकी जहाज फिर देश लौट कर आया है। ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होंगे, ओ नीतिकार तुम झूठ नहीं कहते होंगे। बेकार मगर पागलों को ज्ञान सिखाना है, मरने का होगा खौफ मौत की छाती में, जिसको अपनी जिंदगी ढूंढने जाना है। और सुना कहाँ तुमने कि जिंदगी कहते हैं, सपनों ने देखा जिसे उसे पा जाने को, इच्छाओं की मूर्तियां घूमती जो मन में, उनको उतार मिट्टी पर गले लगाने को। जिंदगी आह वह एक झलक रंगीनी की, नंगी उंगली जिसको न कभी छू पाती है। हम जब ही हाँफते हुए चोटियों पर चढ़ते, वह खोल पंख चोटियां छोड़ उड़ जाती है। रंगीनी की वह एक झलक जिसके पीछे है मच हुई आपा आपी मस्तानों में, वह एक दीप जिसके पीछे है डूब रही दीवानों की कश्तियां कठिन तूफानों में। डूबती हुई कश्तियां और यह किलकारी, डूबती हुई कश्तियां और यह किलकारी। ओ नीतिकार क्या मौत इसी को कहते हैं, है यही खौफ जिससे डरकर जीने वाले पानी से अपना पांव समेटे रहते हैं। जिंदगी गोद में उठा उठा हलराती है आशाओं की भीषिका झेलने वालों को, और बड़े शौक से मौत पिलाती है जीवन अपनी छाती से लिपट खेलने वालों को। तुम लाशें गिनते रहे खोजने वालों की, लेकिन उनकी असलियत नहीं पहचान सके। मुर्दे में केवल यही जिंदगी वाले थे, जो फूल उतारे बिना लौट कर आ न सके। हो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, हो जहां कहीं भी नील कुसुम की फुलवारी, मैं एक फूल तो किसी तरह ले जाऊंगा, जूड़े में जब तक भेंट नहीं यह बांध सकूं। किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊंगा, किस तरह प्राण की मणि को गले लगाऊंगा। दोस्तों आप सुन रहे थे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की अमर काव्य रचना, जिसकी रचना हुई है सन 1950 में। यदि आपको यह पसंद आई हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। काव्य रंग से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।